हेलो एवरीवन क्लास फोर मैथ्स ओलंपियाड लेवल टू क्वेश्चंस लेट्स गेट स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स सिम्बल ऑफ द रोमन नंबर सी एक्स इज इंटरचेंज बाय हाउ मच द न्यू रोमन नंबर इज डिक्रीज सी एक्स सी का मतलब होता है हंड्रेड और इसके बाद में है एक्स तो ये होता है टेन ये हो जाएगा हंड्रेड एंड टेन सी एक्स की वैल्यू हंड्रेड एंड टेन अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें मतलब हम इसको एक्स सी लिख देंगे तो ये कितना डिक्रीज हो गया अब एक्स सी सी से पहले एक्स लगाया है तब हम इसमें माइनस करेंगे 100 में से 10 माइनस कर दो ये हो गया 90 पहले इसकी वैल्यू थी 110 अब इसकी वैल्यू हो गई 90 तो डिफरेंस आया 20 ऑप्शन डी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 47 फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर ये एक स्क्वायर है और इसका पेरीमीटर हमें दिया है थर्टी सेंटीमीटर पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड स्क्वायर की चारों साइड बराबर है तो 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे हमको एक साइड पता चल जाएगी एक साइड आ गई 8 सेंटीमीटर की अब हमको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड तो 8 मल्टीप्लाई एट सिक्सटी स्क्वायर सेंटीमीटर होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फोर बाय सेवन ये जो हमको चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से फोर बाय सेवन के इक्वेलेंट कौन सा है अब ऑप्शन ए देखो क्या फोर बाय सेवन एट बाय सेवन के इक्वल है फोर में तो इन्होंने टू का मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन सेवन में तो नहीं किया डिनोमिनेटर तो सेवन ही रखा है तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो भी फोर बाय सेवन नहीं आने वाला तो ए इज नॉट दी आंसर बी पे आ जाओ एट बाय फोर्टीन क्या ये फोर बाय सेवन के इक्वल है फोर में तो इन्होंने टू का मल्टीप्लाई कर दिया सेवन में भी इन्होंने टू का मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टू का मल्टीप्लाई कर दिया एट बाई फोर्टीन इज एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ फोर बाय सेवन ये क्योंकि आप एट बाय फोर्टीन को सिंप्लीफाई करो एट और फोर्टीन दोनों टू के टेबल में आता है टू फोर जा एट टू सेवन जा फोर्टीन आ गया ना फोर बाय सेवन ऑप्शन बी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन ए इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव सिक्स एंड बी इज इक्वल टू फिफ्टी पॉइंट सिक्स फाइंड दैल्यू ऑफ ए प्लस बी टू ठीक है ए की वैल्यू दी हुई है बी की वैल्यू दी हुई है ए प्लस बी वाई टू हमें निकालना है तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं ए प्लस बी ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव सिक्स प्लस फिफ्टी पॉइंट सिक्स ज़ीरो ये हो गया सेवेंटी फोर पॉइंट वन सिक्स अब सेवेंटी फोर पॉइंट वन सिक्स को टू से डिवाइड करना है टू थ्री जिक्स वन फोर टू सेवन जा फोटीन अब डेसिमल लग गया यहाँ पे आ गया वन अभी भी छोटा ही है तो हम यहाँ पे ज़ीरो लगा के सिक्स को भी उतार लेंगे अप टू एट सिक्सटीन तो थर्टी सेवन पॉइंट जीरो एट ऑप्शन बी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी मोहिनी इज फोर्टीन फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ फोर्टी गर्ल्स वॉट इज हर पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड यहाँ पे फोर्टी गर्ल्स टोटल फोर्टी गर्ल्स हैं एक क्लास में और उसमें रोहिनी की पोजिशन राइट एंड राइट एंड यहाँ से होता है यहाँ से इसकी पोजिशन हमें दी है फोर्टींथ और हमसे पूछिए लेफ्ट एंड से क्या पोजिशन होगी तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो टोटल जो है उसमें से हमको जो राइट right हैंड से पोजीशन दी है उसको हम सब करेंगे इसमें प्लस वन कर देंगे तो ट्वेंटी सिक्स प्लस वन ट्वेंटी होगी उसकी पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑप्शन डी इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अपने अगली वीडियो में और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बाई